नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल स्काई। पैरों पर ही शरीर का पूरा भार होता है, इसलिए पैरों के साथ आपकी पूरी ऊर्जा जुड़ी होती है, इसलिए पैरों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसमें पैर धोने का खास महत्व है। चिकित्सा जगत भी जहां पैरों के धुलने से शरीर की थकान कम होने की बात मानता है, वहीं शास्त्रों में पैर धोने के कुछ खास विधान बताए गए हैं। हम यहां आपको पैर धोने के वो कुछ खास नियम बता रहे हैं जो आपको जरूर अपनाने चाहिए। ये वो नियम है जो शरीर से जुड़कर आपके जीवन में आने वाली नकारात्मकता को दूर करते हैं और आपको हमेशा एक सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि अगर कदम सही रास्ते पर चलेंगे तो असफलता और मुश्किलें अपने आप ही कम हो जाएंगी। आपने शायद अपने बड़े बुजुर्गों से सुना हो कि कहीं बाहर से आने के बाद हाथ पैर जरूर धोकर अंदर आना। हो सकता है आपको ये पुराना और दकियानूसी बात लगे, लेकिन शास्त्र अनुसार अगर आप अपने जीवन में अकारण आ रही कठिनाइयां नहीं चाहते तो आपको बाहर से आने के बाद घर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथ पैर, विशेषकर पैर जरूर धो लेने चाहिए। विज्ञान भी इसे सही मानता है। इसके अनुसार बाहर से आते हुए आपके शरीर का बाहरी धूल और प्रदूषण से सामना होता है। जमीन के सबसे निकट होने के कारण आपके पैरों में सबसे ज्यादा धूल गंदगी होती है, जो आपके साथ ही आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं और कई प्रकार के रोगों का कारण बनते हैं। इसलिए इससे पूर्व पैर धोना आपको गंभीर, शांत मन के साथ ऊर्जावान महसूस कराता है और आपको इसके पूरे फायदे मिलते हैं। अच्छी नींद से आपका आने वाला पूरा दिन जुड़ा होता है, क्योंकि नींद के दौरान ही तंत्रिका तंत्र दिन भर हुई क्षति की भरपाई करता है और नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसलिए अच्छी या गहरी नींद नहीं ले पाने वाले पूरे दिन सुस्त होते हैं और अपना काम अच्छी तरह नहीं कर पाते। इसलिए सोने से पहले पैरों को धो लेना शास्त्रों में अनिवार्य माना गया है। इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से अलग हो जाती है, इस प्रकार आप अच्छी और गहरी नींद ले पाते हैं, आपको बुरे सपने भी नहीं आते। तो इस तरह घर में आने के बाद सबसे पहले पैरों को धोना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लाइफस्टाइल से जुड़ी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल स्काई।